किंतु पुत्र, ये कैसे संभव है? वो तुम्हारे पिता हैं। माँ, जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसकी आयु से निर्धारित नहीं होता। इसीलिए यदि पिताश्री को मुझसे प्रणव शब्द के गूढ़ रहस्य को ज्ञात करना है तो उन्हें मुझे गुरु बनाकर स्वयं से उच्च स्थान पर स्थित करना ही होगा। किंतु पुत्र, जहां महादेव, वो स्थान स्वतः ही सर्वोच्च हो जाता है। जगत पिता महादेव से ऊंचा स्थान तो संसार में हो ही नहीं सकता। पुत्र, पुत्र कार्तिकेय, गुरु से उच्च तो कोई स्थान नहीं होता, और मैं तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर स्वयं से उच्च स्थान देता हूँ। अब गुरु रूप में मुझे उस शब्द का अर्थ समझाइए जो प्रणव शब्द ओम है। गणपते नमो नमः। निष्प्रभे अस्मिन् निरालोके सर्वतस्तम असावृते बृहदण्डम मोदकं प्रजानाम बीजं अव्ययम्। मुझे श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करें गजानन। सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, सर्वत्र अंधकार था। तब उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो सभी प्रजाओं का अविनाशी बीज था। तो स्वयं को तपाकर अपने शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि, पर महादेव जो स्वयं जगत गुरु है, अपने ही पुत्र को गुरु मानकर एक शिष्य की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। अद्भुत है महादेव। हे गुरु गुहान, मैंने गुरु स्वीकार किया है आपको, तो अब मुझे प्रणव शब्द का अर्थ और उसका गूढ़ रहस्य समझाने की कृपा करें। गुरु का ज्ञान तो शिष्य के कान में गुप्त रूप से ही दिया जाता है, इसीलिए सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओंकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है आदि मंत्र ओंकार। क्योंकि यदि शिव वाच्य है तो आदि मंत्र उनके वाचक, अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम, मैं स्वयं शिव के तेज अर्थात उनकी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए मैं भी शिव हूँ और शिव भी मैं। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव सुब्रह्मण्यम, सु अर्थात स्वरूप, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के प्रतीक प्रणव का ही स्वरूप हूँ। सत्य है, प्रणव शब्द ओम महंतम है, अपार महिमामयी है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं, मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसकी रचना का आधार है। इसीलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश हैं। इसीलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं, क्योंकि वास्तव में सभी की रचना दिव्य ओम अर्थात प्रणव शब्द से ही हुई है, और यही
प्रणव का रहस्य भी है। क्षमा प्रभु क्षमा, ज्ञान का अहंकार भी कभी कभी अज्ञानता से ग्रस्त कर देता है। मैं सत्य जानकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। स्वयं को मैं सृष्टि का रचयिता समझता था, किंतु सत्य अब स्पष्ट है। मैं मात्र एक माध्यम हूं, किंतु सृष्टि की रचना का मूल आधार तो एकमात्र प्रणव शब्द ओमकार ही है। अद्भुत, कितना सरल, कितना सुगम है ओमकार का ज्ञान। गुरु रूप में मुझे बताने वाले कि प्रणव ही तुम्हारा भी ब्रह्म स्वरूप अर्थात सुब्रमण्यम है, इसलिए आज से तुम्हें भी सुब्रमण्यम कहा जाएगा, सुब्रमण्यम कहा जाएगा। मेरे गुरु बनकर मुझे ज्ञान देने के नाते तुम्हारे नाम के साथ स्वामी भी जुड़ेगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाएगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाएगा, इसलिए आज से तुम्हें सुब्रमण्यम स्वामी कहा जाएगा। धन्य है स्वामी आप। पुत्र, आज मैंने तुम्हें अपने नाथ के गुरु अर्थात स्वामी के रूप में देखा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सम्मान में मैं भी तुम्हें एक नवीन नाम देती हूँ, स्वामीनाथ, स्वामीनाथ। स्वामीनाथ सुब्रमण्यम। माँ और पिताश्री, मेरे प्रिय पुत्र, प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। माता पिता के दर्शन तो सूर्यदेव के प्रचंड ताप में शीतल छाया के समान है। मुझे इस आनंद की प्राप्ति होने वाली है जिसका तो मुझे तनिक भी अनुमान नहीं था। किंतु मां, अनुज गणेश कहाँ है? पुत्र, अपने बड़े भ्राता के साथ संपूर्ण परिवार को यहाँ लाकर भोजन कराने का विचार तो उसी का था, किंतु तुम्हारे ही समा अपने कर्तव्य से मुख कैसे मोड़ सकता था? वो मार्ग में ही अपनी कर्तव्य की पुकार सुनकर उसे जाना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देते हुए अर्जुन से पूछा कि यदि तुम उस पक्षी को देख रहे हो तो बताओ उसके अंग कैसे हैं? अर्जुन बोले, मैं मात्र उस पक्षी का नेत्र देख रहा हूँ, अन्य अंगों पर मेरी दृष्टि नहीं है। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश जी का ज्ञान के सागर में डूबना स्वाभाविक ही था। वो अपनी भूख प्यास को भूलकर अपनी पूरी एकाग्रता के साथ महर्षि वेदव्यास के कहे शब्दों को सुनकर उनका लेखन कर रहे हैं। महाज्ञानी है, विघ्नहर्ता है, किंतु महादेव पुत्र गणेश जी का स्वभाव नटखट भी है। इसी कारण तो उन्होंने इस कार्य में स्पर्धा का भाव भी रखा है, और यदि महर्षि उनके समान गति नहीं रखेंगे तो गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। इसीलिए गणेश जी के हाथ
और तीव्र गति से लेखन करते जाते हैं और महर्षि उनके समान अपने शब्दों की गति बढ़ाने पर विवश हो जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गजानन की गति तो बढ़ती ही जा रही है, शिवर को शीघ्रता करनी होगी। यदि ऐसा ना हुआ तो गणेश जी अपनी नियत अवस्था के अनुसार ये लेखन रोक देंगे और ये अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य अधूरा रह जाएगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये तो अत्यंत अद्भुत स्पर्धा है। हाँ सूर्यदेव, कभी गणेश जी आगे होते हैं तो कभी ऋषिवर। आलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तु तम घनन्ति प्रतिघात विदम दुषः। ये आवश्यक नहीं कि केवल लोहे या धातु से बने अस्त्र शस्त्र ही घातक होते हैं, कई ऐसे पदार्थ हैं जो प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, जिनमें से एक है लाह, जो अग्नि में पिघलकर किसी को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। जगत जननी और जगत पिता के शुभ चरण जहां भी पड़ते हैं वो स्थान तो स्वतः ही धन्य हो जाता है। अब अपने पुत्र और इस भक्त को अपनी पूजा करने की अनुमति दीजिए। मुझे क्षमा करना, आपको समर्पित करने हेतु मैं बेलपत्र तो पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है इन सुंदर अर्जुन वृक्ष के पत्रों को अवश्य स्वीकार करेंगे। पुत्र, भक्ति का पावन भाव ही ऐसी युक्ति है जो सबके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आज मेरे लिए ये अर्जुन पत्र ही बेल पत्र के समान है। आज से अर्जुन वृक्ष भी सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होगा और उसमें औषधीय गुणों का भंडार होगा। पिताश्री, आपके इस कृपा हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, आते ही तुमने हमारी पूजा आरंभ कर दी, किंतु मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पका भोजन लाई थी। कितने दिनों से मेरे लाल ने मेरे हाथों का पका भोजन नहीं खाया। चलो शीघ्रता करो पुत्र। माँ, सत्य में मेरा पेट तो आप दोनों के दर्शन से ही भर गया है। उचित, अब तनिक भोजन से भी भर लो। नंदी जी। जो आज्ञा माता। मां, किंतु आप दोनों और गणेश। पुत्र, एक मां होने के नाते मेरा स्नेह तुम दोनों के लिए बराबर है, और मैंने गणेश को वचन दिया है कि मैं भोजन उसके साथ ही करूंगी। किंतु माँ, आपके हाथों भोजन करने का प्रथम अधिकार तो गणेश का ही है ना। ये मोदक मेरे प्रिय अनुज
गणेश के लिए है माँ। नंदी जी ऋषिवर की गति तो मंद पड़ती जा रही है और गणेश जी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। यदि गणेश जी के पास लिखने के लिए कुछ न रहा तो वो अवश्य रुक जाएंगे। यज्ञसेन कुमारी कृष्णा अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि इन भगवत नामों को उच्च और द्रवित स्वर में पुकार रही थी। इसी समय धर्म स्वरूप महात्मा श्री कृष्ण ने अव्यक्त रूप से भांति भांति के सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को युक्त कर दिया। हे गजानन, हम गंधर्व भी आपकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने का सौभाग्य पाने आए हैं प्रभु। ऋषिवर के मुख से श्लोकों की गति गजानन के लेखन की तुलना में और भी मंद हो गई है। ऋषिवर मात्र एक शब्द से गणेश जी से आगे हैं। ऋषिवर तो जैसे रुक ही गए। अब कुछ नहीं हो सकता। यह महाकाव्य भी यहीं रुक जाएगा और संसार इससे वंचित रह जाएगा। ये स्याही तो अब समाप्त होने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मेरी लेखनी मध्य में ही रुक जाएगी। पुत्र कार्तिकेय, अब तुम शीघ्र भोजन ग्रहण करो, हमें कैलाश भी लौटना है। हाँ पुत्र। मेरा पुत्र अकेले यहाँ किस प्रकार रहता होगा, कितनी कठिनाई होती होगी उसे, कैसे छोड़कर जाऊं मैं उसे। ममता की छांव से भला कौन वंचित होना चाहता है माँ। यदि मेरे वश में होता ना माँ, तो मैं तो आपकी ममता से भरा स्नेह पाने के लिए आपको यहीं रोक लेता। नहीं, मैं कदापि नहीं जाऊंगी। मैं यहां रहूंगी पुत्र कार्तिकेय के साथ। नहीं माँ, मैं आपको यहाँ रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आप अपने कर्तव्य से बंधी हैं और मैं अपने ही से। गणेशी की शाही समाप्त होने के कारण ऋषिवर को पुनः एक अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, अब वो और श्लोक कह सकेंगे। गणेश जी को उनके लेखन में कुछ समय लगेगा, महाकाव्य की रचना सुरक्षित होगी। आप लोग निश्चिंत हो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि ऋषिवर को समय और मिल गया। यदि शाही समाप्त हो गई तो गणेश जी का लेखन भी रुक जाएगा, तो फिर कैसे पूर्ण होगा ये महाकाव्य। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने रूप रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। स्याही की अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी। स्वामी, मैं कैसे कहूं कि मैं यहाँ अपने पुत्र के साथ रहने की इच्छुक हूँ। माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उन्हें यहाँ रोकना नहीं चाहता, किंतु मेरे कहने पर वो रुक भी जाएंगे, जो उचित नहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते।
इच्छा तो मेरी भी यही है कि हमारा पुत्र हमारे साथ ही रहे। स्वामी, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए मेरे पाँव ही नहीं उठ रहे। माँ, नियतिवश हम दोनों की कर्म भूमि विपरीत दिशाओं में है। मैं कर्तव्य के मध्य भावनाओं को कदापि नहीं आने दूंगा। इसीलिए ना मैं आपको जाने से रोकूंगा और ना मैं स्वयं आपके साथ जाऊंगा। पुत्र कार्तिकी तो स्वयं को समझा लेगा, किंतु पार्वती, एक माँ की ममता को समझाना कठिन होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के चरण का स्पर्श कर ये स्थान अत्यंत पावन हो गया है। इसीलिए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि युग युगांतर तक इसे शैलम पुकारा जाएगा। और माँ, मेरे लिए तो यही दक्षिण का कैलाश है। जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वही कैलाश है। कदाचित देवी पार्वती को समझाने का उपाय मिल गया मुझे। अब स्याही समाप्त हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है गणेश जी अपनी नियत अवस्था का मान नहीं रख पाएंगे। फिर कैसे होगा यह महाकाव्य पूर्ण? क्या गणेश जी प्रथम बार किसी कार्य में असफल होंगे? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में यहाँ एक महान विशाल मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ के भक्तों को आप दोनों की कृपा से आपके भव्य दर्शनों का सुख प्राप्त होगा और यह स्थान सदा सदा के लिए दक्षिण कैलाश के नाम से जाना जाएगा। और मैं स्वयं सदा आप दोनों की पूजा करता रहूंगा। आइए देवी, आप कैलाश चलने का समय हो गया है। नहीं स्वामी, कार्तिकी को यहां अकेला छोड़कर जाना मेरे मन को कदापि स्वीकार नहीं। किंतु प्रिय, जब हमारे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ के रूप में हमारी शक्तियां यहाँ हैं, तो वो हमसे दूर कहाँ है? मैं समझती हूँ स्वामी, और मैं ये भी समझती हूँ कि उसका एक बड़ा लक्ष्य है और उसको उसका कर्तव्य यहीं रहकर पूर्ण करना है। इसीलिए वो कैलाश नहीं लौट सकता, किंतु मैं तो यहाँ रह सकती हूँ ना स्वामी। यदि आप कैलाश जाने के इच्छुक हैं तो जाइए, कि तुम मैं कार्तिके को यहां अकेला छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगी। अब मैं पार्वती को कैलाश लौटने के लिए कैसे तैयार करूं? किन अंतिम बूंदों से आप कुछ ही शब्दों का लेखन कर सकेंगे गणेश जी? इसके लिए तो माता भूमि देवी से ही प्रार्थना करनी होगी, ताकि वो वचनानुसार हमें और स्याही प्रदान करें। हे माता भूदेवी, हम सभी आपकी प्रार्थना करते हैं, कृपया प्रकट होकर और भी स्याही प्रदान करने की कृपा करें।
अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्जवल तथा धूल राशि से सुशोभित था। उसके हाथ में तेजोमय उज्जवल चक्र प्रकाशित हो रहा था। उससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस रण क्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा था। कौरवों से घिरा हुआ अकेला अभिमन्यु छत्र छत होते हुए हिम्मत नहीं हारा। एक बार लेखन आरंभ करने पर आप अपनी रचना का वाचन नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। थक गया हूं मैं, अब आगे कैसे बोल पाऊंगा? कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जिसमें अभिमन्यु ने महापराक्रमी योद्धा की तरह युद्ध किया। गजानन ने जो अवस्था नियत की उसके पूर्ण होने में ही इस महाकाव्य की पूर्णता निर्भर है। प्रिय, आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या समझूं स्वामी, आप तो यही कहेंगे ना कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की स्थापना से हम अपने पुत्र के निकट ही हैं। और फिर मैं कैलाश क्यों नहीं लौटना चाहती? हम इस रूप में उसके निकट तो रहेंगे, किंतु वो फिर भी अकेला रहेगा। वो अपने मन की बात किसके साथ बांटेगा स्वामी? जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उसके साथ कौन है? प्रिय, आपने ही व्यथा रखी और आपने ही उसका समाधान भी बता दिया। समाधान? कैसा समाधान? हम दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त है, किंतु उसे किसका साथ प्राप्त है, यही मुख्य समस्या है ना? उसी का समाधान करना है ना हमें? अर्थात पुत्र कार्तिकेय का विवाह होना चाहिए। आपने सर्वथा उचित कहा स्वामी। फिर मैं आपके साथ कैलाश में चिंता रहित रहूंगी, और कार्तिकेय और गणेश भी दोनों ही अकेले नहीं रहेंगे। और ये तो उचित समय भी है, हमें शीघ्र कैलाश लौटकर अथा शीघ्र उसके लिए कन्या ढूंढनी चाहिए। कार्तिकेय के विवाह के सुझाव ने आपका निर्णय एक पल में बदल दिया देवी। हाँ स्वामी, क्योंकि आपका सुझाव मेरे निर्णय से कहीं उत्तम है। समस्त भूपालों के स्वामी वीर राजा दुर्योधन के धराशायी होने पर वहां बिजली की गड़गड़ाहट के साथ प्रचंड वायु चलने लगी, धूलि की वर्षा होने लगी, वृक्ष वन एवं पर्वतों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। क्या हुआ माँ? अब हमें जाना होगा पुत्र, किंतु तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगी। ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ के साथ मैं स्वयं भी प्रत्येक पूर्णिमा पर अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान करूंगी। और मैं प्रत्येक अमावस्या के दिन। आप दोनों को अपने माता पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। मैं किन शब्दों में आप दोनों को धन्यवाद कर।
कृपा कर मेरा नमन स्वीकार करें। प्रभु ने तो अपनी लेखनी रख दी। प्रभु गजानन, आप उठ क्यों गए? मैंने कहा था ना ऋषिवर, जैसे ही आप बोलना समाप्त करेंगे मैं लेखन रोक दूंगा। उचित है प्रभु, क्षमा करें, आपको दिए हुए वचन का मैं मान नहीं रख पाया, किंतु कोई तो उपाय होगा कि आप आगे लिख सके, अन्यथा यह महाकाव्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। प्रभु इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु अब तो केवल एक ही खंड शेष है। नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर, नहीं ऋषिवर। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अर्थात भारत में धर्म की महागाथा अधूरी रह गई। इस प्रकार भविष्य में जीवों का मार्गदर्शन कैसे संभव? इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ अधूरा रह जाए ये तो उन्हें भी स्वीकार नहीं होगा, तो नियति क्या है? क्षमा करें प्रभु, मैं अपना कर्तव्य अधूरा नहीं छोड़ सकता, मुझे तो इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करना ही होगा। प्रणाम प्रभु। एक दंतम महाकायम तप्त कांचन सन्निभम लंबोदरम विशालाक्षम वंदेहम गणनायकम। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि। ऋषिवर, वैदिक साहित्य श्रेष्ठ है, किंतु आने वाले युग कल युग को ध्यान में रखकर आपने इसे सरल बना दिया, इसलिए आपका ये महाकाव्य महाभारत कहलाएगा। गणपतये नमः। आपकी ये रचना मानव जाति के लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगी। धन्यवाद है ज्ञान बुद्धि और श्रुति के ईश्वर कि आपने मुझे और मेरी इस रचना को शुभाशीष दिया। ऋषिवर, मैं अपना कार्य संपन्न कर चुका, तो क्या आप मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा है? अवश्य प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, अब जाकर निश्चिंतता से माँ के हाथों बने पकवान खाऊंगा। देवी, यहाँ नवीन दिव्य ऊर्जा संकेत दे रही है कि गणेश भी अपना कार्य पूर्ण कर शीघ्र लौटने वाला है। बहुत सारे कार्य करने, शीघ्रता तो हमें भी करनी होगी। शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। मैं जाकर विवाह उत्सव की तैयारियां करती हूँ।
गणेश जी का विवाह? गणेश जी के लौटने पर सर्वप्रथम यह शुभ समाचार मैं ही उन्हें दूंगा। नंदी जी, गणेश जी, प्रणाम। गणेश जी, आप उचित समय पर पधारे हैं। मुझे आपको एक सूचना देनी है। सूचना अच्छी होनी चाहिए नंदी जी। ये मत कहिएगा कि भोजन समाप्त हो गया, क्योंकि आपकी पोटली में से उसकी सुगंध मुझ तक पहुंच रही है। ये कोई परिहास नहीं है प्रभु, वास्तव में एक बहुत बड़ी सूचना है। पहले भोजन फिर सूचना नंदी जी। प्रभु सुनिए तो, अब कहाँ जा रहे हैं? प्रभु सुन तो लीजिए, यह सूचना सुनकर आप आनंदित होकर उछल पड़ेंगे। अच्छा तो सुनाइए नंदी जी। आपका विवाह होने वाला है, माता और प्रभु आपके लिए उचित कन्या ढूंढ रहे हैं। प्रभु, मेरा विवाह? ये क्या कह रहे हैं नंदी जी? अवश्य आपसे कोई भूल हुई है, आपने ठीक से नहीं सुना होगा। नहीं नहीं प्रभु, मैंने ठीक से सुना भी, कहा भी, और ना ही कोई भूल हुई है मुझसे। ये तो शुभ समाचार है प्रथम पूज्य। मैं समझता हूँ प्रभु, इस शुभ समाचार को सुनकर तो किसी के भी मन में लड्डू फूटेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि अब मोदक खाने का नहीं, अभी तो खिलाने का समय है गणेश जी। अब आप अपने मन में फूटते हुए मोदकों को समेटिए, तब तक मैं जाकर अन्य लोगों का इस शुभ समाचार से मुंह मीठा करवाता हूँ। ओहो, प्रथम पूज्य गणेश जी, सर्वप्रथम आप ही शुभ समाचार के साथ अपना मुंह मीठा कीजिए। फिर क्या जाने अवसर मिले ना मिले, क्योंकि विवाह के पश्चात तो आपको वही खाना पड़ेगा जो आपकी पत्नी खिलाएंगी। आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं आता हूँ। प्रणाम। क्या विवाह के उपरांत मैं अपनी इच्छा से भोजन भी नहीं कर पाऊंगा? विवाह हुआ और स्वतंत्रता समाप्त। प्रभु 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 सुनिए तो, वो देखिए प्रभु, वहाँ आपकी होने वाली पत्नी। क्या कहा है मेरी पत्नी? मेरा अर्थ था विवाह के उपरांत वही तो होंगी ना वो प्रभु। मूषक जी, अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। विवाह ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आज प्रथम बार मुझे किसी समस्या का हल नहीं सूझ रहा, मैं तो उलझ गया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था प्रभु। क्या क्या कहा था? कि मत कीजिए। क्या क्या नहीं करूं? यही महान कार्य, बालक हैं किंतु बालकों वाला कोई कार्य तो आप करते नहीं, संपूर्ण संसार की समस्याएं हल करते हैं। तो फिर सब आपको विवाह के योग्य समझेंगे ना। ऐसा कौन सा महान कार्य कर दिया मैंने मूषक जी कि माँ और पिताश्री मेरा विवाह करने पर तुल गए? क्या नहीं किया है प्रभु आपने? सब कुछ आप ही ने तो किया है, दुष्ट असुरों का अंत और देवताओं की सहायता, और तो और संसार के महानतम ग्रंथ महाभारत का लेखन। तो आप ही बताइए, आपको बालक कौन कहेगा भला? जो हुआ सो हुआ, किंतु अब क्या करूं? उसका कोई सुझाव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रभु, मेरी बुद्धि के पास तो सुझाव ही सुझाव है, किंतु आपके लिए जो सर्वथा उचित है वो ये बताना और जताना कि आप एक नन्हे बालक हैं। नन्हा बालक? आपको अपने व्यवहार से ये दिखाना होगा कि आप अभी भी एक बालक ही हैं, तभी तो आपका विवाह टल सकता है प्रभु। उचित है, किंतु मुझे उसके लिए करना क्या होगा? बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम आप वचन दीजिए कि जो कुछ भी मैं कहूँगा वो आप अवश्य करेंगे। करूँगा, सब कुछ करूँगा। तो फिर आरंभ करते हैं नटखट बालक बनो अभियान, जिसका प्रथम कार्य होगा उत्पाती बनो। दी।
सब गिर गए। नंदी दी, ये तो प्लबुता तो पलिया था क्या? नहीं तोतला जी, गणेश जी ने ऐसा परिहास कभी नहीं किया। आनंद आया, बहुत आनंद आया। ये बता दीजिए कि आप शिशु बनकर क्यों चल रहे हैं? क्या ये नवीन व्यायाम आपको त्रिदेवों ने सुझाया है? उचित है, यदि आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। किंतु हमें अनुमति दीजिए, माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। प्रतीक्षा? लुकी। अरे गणेश जी को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? दे लंदी जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रभु, आप रहने दीजिए प्रभु। आप संसार की सहायता की चिंता कीजिए, फल और पुष्प तो हम ले ही जाएंगे। आज्ञा दीजिए प्रभु। चलो अपने सामानों को शीघ्र उठाओ। चलो यहाँ से। क्यों, उपयुक्त था ना? हाँ प्रभु, किंतु आप रुकिए मत, अभी कार्य संपन्न नहीं मात्र आरंभ हुआ है। अभी तो सबको ये विश्वास दिलाना है कि आप मात्र एक बालक ही हैं। नटखट बनो अभियान कार्य दो। प्रभु, हम सभी अभी अभी स्नान करके आए हैं और आपने हमें पुनः मैला कर दिया। प्रभु क्षमा कीजिए। यदि प्रथम पूज्य गणेश जी ने ऐसा किया है तो इसमें अवश्य उनकी कोई लीला होगी। उचित है प्रभु। प्रभु हमें क्षमा करें यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो। नहीं थमा तले, अब नहीं करूंगा। ये गणेश जी की कोई लीला है या आज हम सभी को सताने का कोई नया नटखट उपाय सोचा है? प्रभु आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु मेरी योजना, मेरे सुझाव सफल हो रहे हैं। अब तीसरे कार्य का समय है। गणेश जी कहाँ गए? स्वामी, ये गणेश आज इतनी नटखट क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण? प्रभु कार्य तीन है, ये ठीक से कीजिए। किसने फेंका ये कंकड़? एक और कंकड़, किसने फेंका ये कंकड़? सामने आओ। आनंद आया, बहुत आनंद आया। गणेश जी। ओ
चार प्रभु। अभी तो मैंने एक मोदक रखा था इसमें, कहाँ गया? यहाँ तो कोई नहीं है, तो कदाचित मेरा ही भ्रम होगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ? पता नहीं, मोदक स्वतः अदृश्य हो रहे हैं। ध्यान से कार्य करो, अन्यथा माता क्रोधित होंगी। यहाँ से स्वतः कुछ कहाँ जा सकता है भला? कार्य पांच प्रभु। अरे, मेरा कलछुल कहाँ गया? नहीं मिला तो खीर जल जाएगी। कार्य छह प्रभु। अरे, मेरा माखन कहाँ गया? यही तो था, क्षण भर में कहाँ गया? कौन है? कौन है हमारे साथ जो कीड़ा कर रहा है? कौन हमें सता रहा है? गणेश जी, मैंने तो तुत भी नहीं दिया। बड़े अचंभे की बात है, जगत को सभी संकटों से बचाने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं, और वो भी तब जब कुछ ही दिनों में उनका विवाह होने वाला है। विवाह, वही तो नहीं करना है मुझे। आज गणेश को हुआ क्या है? अपनी अटकेलियों से तो आज इन्होंने संपूर्ण कैलाश में सभी को ही अचंभित कर दिया है। नंदी जी, अब तो कुछ करना ही होगा, उन्हें रोकना होगा। नंदी दी, दीदी दरिंदी, ये सभी तो जैसे मेरी प्रतीक्षा में ही खड़े हैं। ओहो, बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब मेरा यहाँ से निकलना ही उचित होगा। मूषक जी भी अदृश्य हो गए। आप तो मिले था थेले आयो, तो चलो थेलते हैं, थेलो ना, थेलो ना। धन्य दी, आप मिली भांति क्यों बोल रहे? आपती भांति नहीं बोल रहा हूँ तोतला दी, मैं तो वैथे तो बोल रहा हूँ, वैथे धोते बत्ते तो बोला था ये, मैं भी तो धोता हूँ ना। धन्य दी, आप तो पलियात मुझे नहीं पता ना लाए। ते थे ना नंदी दी, ये मुझे दांत लगे हैं। नंदी दी, तेरी अरब लाभु मेरा पलियात तल रहा है। अब आपको रुकना होगा, अन्यथा। अन्यथा? अन्यथा हम माता के पास जाएंगे। प्रभु तनिक विचार कीजिए, आपका विवाह होने वाला है। विवाह? वही तो होने से रोकना है। हाँ, हम माता थे, आप ते तितायत तलते आते हैं। नटखट बनो अभियान में मैंने तो यही तक बताया था, तो प्रभु क्या करने लगे? ये गणेश जी ने अपने निकट क्या भक्ति मचा रखी है? अरे तनेते तो यहाँ है। गणेश
अरे उधर से आपने बहुत थका दिया गणेश जी। तीन तो अब आप और अधिक नहीं भाग पाएंगे। ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप? और गणेश को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? प्रणाम माता। प्रणाम माता। क्षमा कीजिएगा माता, किंतु आज विघ्नहर्ता ही हम सबके विघ्न कर्ता बने हुए हैं, और ये सब इन्हीं का किया धरा है। हमने तो बहुत सारे फल भी एकत्रित किए थे, वो भी इन्होंने गिरा दिए। और माता मुझे तो मेरी बात ही बोल बोल से तिला लाए थे। हाँ। मेरी तो खीर भी जलवा दी इन्होंने। और मोदक बने नहीं कि ये छुपके से चट कर गए। और माखन के साथ भी यही किया था इन्होंने। अब माता को विश्वास होगा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ, अभी मैं विवाह के योग्य नहीं हूँ। माता अब स्वतः मेरे विवाह का विचार त्याग देंगी। बालक ही तो है, थोड़ी शरारत ही तो कर रहा था, तो कोई बात नहीं। बालक? बालक हूँ यही तो दिखाला था। माता दीदी, ये फैलते मेरी बातें बोलने वाले, फैलते मेरी बातें बोलने। आपकी भांति नहीं तोतला जी, मैं तो सबको ये स्मरण कराना चाहता था कि मैं मात्र एक बालक हूँ। स्मरण करा रहे थे, किंतु क्यों पुत्र, हमें तो क्या था तुम बालक हो। तो माँ, आप इस अबोध बालक का विवाह क्यों करवाना चाहती हैं? तुम्हारा विवाह? गणेश का विवाह? गणेश का विवाह? और अभी? हाँ माँ, मेरा विवाह। तुम्हारा विवाह होने वाला है, ये किसने कहा तुमसे? नंदी जी ने। इसलिए तो मैं जता रहा था कि मैं अभी विवाह योग्य नहीं हुआ। कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हुई जिसके कारण ये उत्पात हुआ? शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। नहीं गणेश, नंदी जी को तो अधूरा ही सत्य ज्ञात है। अपने पुत्र के विवाह की चिंता अवश्य है हमें, किंतु तुम्हारी नहीं पुत्र, पुत्र कार्तिके की। भैया का विवाह? हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राता का विवाह। किंतु विवाह के लिए एक योग्य वधु का चुनाव करना होता है, किंतु अभी वो योग्य कन्या नहीं मिली है जो योग्य वधु बन सके। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? कन्या तो मैं ढूंढ लाऊंगा, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने तो अभी दिखाया ना कि आप एक बालक हैं, फिर कन्या कैसे ढूंढेंगे? लो, पुनः आरंभ कर दिया इन्होंने बड़ों की भांति कार्य करना। ये कार्य कठिन अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकेय के लिए उचित कन्या मिल ही जाएगी। आप चिंता ना करें प्रभु, हमें ज्ञात है कि देवी पार्वती को इस चुनाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही उनके पास जाकर उनकी उलझन मिटा दूंगी। अब आप सभी अपने कार्य कीजिए, गणेश अब आपको नहीं सताएगा। प्रणाम माता। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम मामी जी। प्रणाम सरस्वती माता। प्रणाम लक्ष्मी माता। कल्याण हो पुत्री। क्यों देवी पार्वती, आप अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए योग्य वधु ढूंढ रही है ना? अच्छा हुआ आप दोनों आ गईं, मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता थी। चिंता मत कीजिए देवी, देवी लक्ष्मी ने तो कार्तिकेय के विवाह के लिए योग्य कन्या ढूंढ भी ली है। योग्य कन्या ढूंढ भी ली है? हाँ देवी पार्वती, श्री हरि नारायण की पुत्रियाँ, श्री हरि नारायण की पुत्रियाँ, जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने
अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। पुत्र कार्तिकेय ने वचन दिया था, किंतु कब? मामी जी, आपने कन्याओं का उल्लेख किया, तो क्या भैया कार्तिकेय की एक से अधिक अर्धांगिनी होंगी? हाँ पुत्र, कार्तिकेय जब प्रभु महादेव के गुरु रूप में उन्हें प्रणव शब्द का ज्ञान दे रहे थे, तब उस अलौकिक दृश्य को देखकर प्रभु श्री नारायण भावुक हो उठे और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह गए। और फिर वो दोनों पुष्प दो सुंदर कन्याओं में परिवर्तित हो गए। प्रभु श्री हरि नारायण के पुत्रियों के नाम हैं अमृतावली और सुंदरावली। और जब नारायण कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित हुए, तब उनके अश्रुओं से उन दोनों का जन्म हुआ। इसीलिए आरंभ से ही उनके मन में कार्तिकेय के लिए स्नेह और निष्ठा का भाव था। कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित होकर वो दोनों कन्याएं उनके लिए तपस्या करने लगी। प्रणाम प्रभु। देवियों, मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या प्राप्त करना है आप दोनों को? प्रभु, हम दोनों बहनें प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियां हैं। आपके भव्य दर्शन से ही हम दोनों का जन्म हुआ है प्रभु, और आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम दोनों से विवाह करके हमें धन्य कीजिए। किंतु देवियों, मैं अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति किए बिना आप दोनों से विवाह भला कैसे कर सकता हूं? किंतु प्रभु, हमारे जन्म के साथ ही आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। हमारी निष्ठा और हमारे समर्पण का उचित परिणाम दीजिए प्रभु। हमें अस्वीकार ना कीजिए, क्योंकि आपके साथ के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देखिए देवी, मेरी संपूर्ण निष्ठा मेरे कर्तव्य के प्रति ही है, अर्थात दक्षिण के अत्याचारी आतंकी असुरों से सभी को मुक्त कराना। और जब तक मैं उसकी पूर्ति ना कर लूं, तब तक यदि मैं आप दोनों से विवाह कर भी लूं, तो भी आप दोनों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए अभी आप दोनों से मेरा विवाह करना आपके और मेरे दोनों के कर्तव्यों के लिए अन्याय होगा।
किंतु आप दोनों चिंतित ना, मैं आप दोनों को एक वचन देता हूँ कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या भैया के विवाह के लिए हमें उन दोनों देवियों के अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं पुत्र गणेश, कुमार कार्तिकेय से वचन प्राप्त करते ही उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया था और वहीं से आरंभ हुई उनके पुनर्जन्म की कथा। देवी पार्वती, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है और वो घड़ी दूर नहीं जब कार्तिकेय के संग उनका विवाह संपन्न होगा। असुरी बनाऊंगा तब तुम्हारे पिता को ज्ञात होगा मुझसे शत्रुता का परिणाम। पकड़ो इसे। पिताश्री, 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 देवसेना संकट में है, चलिए। आक्रमण! पुत्री, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। देवराज इंद्र ने सही समय पर यहां पहुंच के तुम्हारी रक्षा की है। मित्र, आपने मेरी पुत्री की रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको तो स्वयं प्रभु का आशीष प्राप्त, जो आपको एक नहीं दो योग्य पुत्रियां प्राप्त हुई। आपके इन पुत्रियों को देख मेरे मन में भी एक पुत्री का पिता बनने की इच्छा जागृत हुई। आपने मेरी पुत्री देवसेना की रक्षा की, असंख्य असुर मेरे शत्रु हैं, कदाचित मेरी पुत्री आपके पास ही अधिक सुरक्षित रहेगी। मेरे पुत्र देवसेना को एक पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। दैत्य सेना मेरे पास ही रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। आपने मुझे एक पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य दिया, वो सौभाग्य जो सिर्फ भगवान को ही प्राप्त होता है। और उस दिन से देवसेना देवराज इंद्र के साथ उनकी पुत्री बन के रहने लगी। देवसेना का तो पता चल गया, किंतु सुंदरावल्ली, उनका पुनर्जन्म कहाँ हुआ माता? ये कथा तो और भी अद्भुत है, क्योंकि सुंदरावल्ली का जन्म मृग योनि में हुआ। एक बार एक महान ऋषि शिवमणि वन में तपस्या कर रहे थे। तब उस कड़ी तपती धूप में उन्हें छाव प्रदान करने एक मृग आया, और जब तक ऋषि तपस्या रत रहे उसने उनकी सेवा की एवं छाव प्रदान की। नमः शिवाय। वो तुम ही थे मित्र मृग, जो प्रतिदिन आकर सूर्य की तपती किरणों से मुझे सुरक्षित करते थे। मेरे तप में मेरा सहायक बनने के लिए तुम्हें अनेकों धन्यवाद।
के अंश से उस मृग को एक बालिका प्राप्त हुई जो सुंदरावल्ली का पुनर्जन्म भी था। जब वो बालिका बड़ी होने लगी तो उसकी माता ने उसे उचित हाथों में सौंप दिया। कहाँ गया वो मृग? ये शिशु क्रंदन कहां से आ? मेरा बाण कभी नहीं चूका, किंतु आज प्रथम बार ऐसा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मृग मुझे यहां तक पहुंचाना चाहता था ताकि मैं इस बालिका को स्वीकार करूं। तुम्हें माता ने मेरे पास भेजा है, मैं तुम्हें बालिका के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से तुम्हारा नाम होगा श्रीवल्ली। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली, श्रीवल्ली। इन दोनों बालिकाओं ने कुमार कार्तिकेय से विवाह करने के लिए ही जन्म लिया था और अब ये दोनों युवतियां बन चुकी हैं। इसलिए आप चिंतित मत होइए देवी पार्वती, आपको अपनी पुत्रवधुएं ढूंढना नहीं है, बस उनका विवाह प्रस्ताव लेकर जाने भर की देर है। माँ, अब कौन सी दुविधा आपको चिंतित कर रही है? एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरी समस्या के विचार से मन विचलित। कार्तिकेय तो अपने कर्तव्य के प्रति ही समर्पित है, जिसके लिए वो तप में ही लीन रहता है। उसने तब भी विवाह के लिए मना किया था तो अब भी करेगा, और बिना पूछे उसका विवाह कैसे कर सकते हैं हम? माँ, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं भैया के पास जाकर उनके मन की बात समझकर उन्हें विवाह के लिए मना लूंगा। मुझे आज्ञा दे माता, भैया कार्तिकेय का विवाह मामा जी प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियों से हो, इससे शुभ घटना भला और क्या हो सकती है? पिताश्री और मामा जी तो अब समधी भी बन जाएंगे। माँ, अब तो मैं भैया को विवाह के लिए मना कर ही आऊंगा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। गणेश जी अपना कार्य के बिना नहीं लौटेंगे। गणेश को हम सब बुद्धिनाथ और बुद्धि प्रिय के नाम से भी पुकारते हैं। चतुर भी है हमारा गणेश, किंतु हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि कार्तिकेय उनका अग्रज है। क्या गणेश उन्हें मना पाएंगे? प्रणाम भैया, तनिक ध्यान से बाहर आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने। अनुज, गणेश, अनुज तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन आनंद विभोर हो गया। अनुज, तुम्हें ज्ञात है जब माँ पिताश्री यहाँ आए थे ना तो तुम्हारी कमी ने अत्यंत सताया मुझे, किंतु अब तुम्हें यहाँ देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो चुका है। आओ अनुज, माँ और पिताश्री की कृपा देखो अनुज, उन्होंने अपने मल्लिका अर्जुन रूप के अंश को यहाँ मेरे साथ छोड़कर मुझे कितना बड़ा उपहार दिया है। माँ आप निश्चिंत रहिए, मैं भैया को विवाह के लिए मना कर ही लौटूंगा। लो अनुज, गणेश तुम्हारे प्रिय मोदक तो नहीं है मेरे पास, किंतु हाँ अभी के लिए ये प्रसाद ग्रहण कर लो। मोदक?
मैं नहीं लाया। वैसे भी अब तो लड्डू खाने का समय आने वाला है। क्या क्या कह क्या रहे हो तुम? अनुज गणेश, मैंने तुमसे मोदक नहीं मांगे और ना ही कोई लड्डू। मैं तो तुम्हें ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, आहा, प्रसाद तो स्वादिष्ट है और अब तो और भी स्वादिष्ट होने वाला है। आहा, वाह, गणेश अचानक आया और अब ऐसी बातें कर रहा है जिनका अर्थ समझना कठिन है। बात क्या है भैया? परिवार की इच्छा के आगे तो सब विवश हो जाते हैं। अब आपने ही तो कहा था ना, इच्छा हो तो आ जाना। इच्छा हुई तो मैं आ गया, और इच्छा तो और भी है। परिवार साथ रहे इसकी इच्छा तो सदैव सबके मन में होती है गणेश, किंतु कर्तव्य ही है जो परिवार से दूर रखता है। और फिर भी सर्वप्रथम माँ पिताश्री और अब तुमने आकर मेरे एकाकीपन को पूर्णतः दूर कर दिया है। ओहो, एकाकीपन की बात अब आपके मुख से अच्छी नहीं लगेगी भैया। अब आप तो कहीं भी रहें, आपको अब कहाँ एकाकीपन का आभास होगा। वो कैसे? ओहो, ये क्या निकल गया मेरे मुख से? वो ऐसे भैया कि कैलाश में माँ पिताश्री है तो यहाँ उनके अंश स्वरूप आपके लिए उनका साथ तो सदा बना रहेगा ना। है ना? हाँ अनुज, ये तो माँ और पिताश्री की कृपा ही है मुझ पर, इसीलिए तो ये स्थान मेरे लिए दक्षिण कैलाश के समान है। अच्छा हुआ भैया मेरे कथन का आशय नहीं समझे। अब मुझे चतुराई का मार्ग अपनाना होगा ताकि वो विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो जाएं। अब पुनः क्या हुआ अनुज गणेश? आज बार बार ये कौन से विचार उठ रहे हैं तुम्हारे मन में, मुझे भी बताओ। अचानक मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है अनुज, जैसे तुम यहां मुझसे मिलने नहीं अभी तो किसी और ही उद्देश्य से आए। तुम्हारा शांत रहना मुझे और भी विचलित कर रहा है अनुज। क्या करूं, क्या कहूं? भैया को मनाने की योजना कहीं आरंभ के साथ ही असफल ना हो जाए। बताओ गणेश, किस उद्देश्य से आए हो तुम यहाँ? मेरा क्या उद्देश्य होगा भैया? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप विवाह कर लें, मुझे भाभी श्री मिल जाए। विवाह? भाभी? अनुज गणेश, तुम ये सब कह क्या रहे हो? तो आप समझे, तो तुम यहाँ मुझे विवाह के लिए बाध्य करने आए हो, है ना? नहीं भैया, बाध्य करने नहीं, बस एक निवेदन है मेरा। अच्छा, निवेदन? ये किस प्रकार का निवेदन है अनुज? निवेदन विवाह करने के लिए? नहीं भैया, नहीं। स्पष्ट कहो अनुज, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ भैया। भैया, मैं हूँ तो आपका अनुज, किंतु आप मुझे बुद्धिमान मानते हैं, तो मेरी बुद्धि के अनुसार आपको विवाह कर ही लेना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम्हारा निवेदन है या सुझाव या फिर संदेश? नहीं, निवेदन ही है और सुझाव भी। नहीं गणेश, व्यर्थ है तुम्हारा ये निवेदन, क्योंकि मेरा निर्णय स्पष्ट है, मैं अभी विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्यों नहीं भैया? क्योंकि अनुज, मैं ईश्वर भक्ति के साथ अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। किंतु भैया, मैं तो विवाह करने के लिए कह रहा हूँ, ईश्वर भक्ति छोड़ने के लिए नहीं। मैंने कह दिया ना अनुज, मुझे विवाह नहीं करना है तो नहीं करना है। और गणेश, आज तुम इतने दिनों के पश्चात मुझसे मिले हो, ये क्या विवाह की रट लगाए बैठे हो? चलो छोड़ो ये सब और आओ, कुछ और बातें करते हैं।
नहीं भैया, अब ये बात छिड़ी है तो पहले इसे समाप्त करेंगे। आप विवाह ना करने का कारण बताइए, मुझे उचित लगा तो मैं पुनः विवाह की बात नहीं उठाऊंगा। उचित, मैं तुम्हें कारण अवश्य बताऊंगा, किंतु सर्वप्रथम तुम्हें उस सरोवर से मेरे लिए कमल पुष्प लाना होगा पूजा के लिए। उचित है भैया। बड़ी विचित्र बात है, ये जल जैसे मुझे अपने भीतर खींच रहा है। कुछ है मेरे पांवों के निकट। ये तो मगर है जो मुझे नीचे खींच रहा है। मगर तुम्हारा अहित नहीं करना चाहता, बस भैया का कार्य कर लौटने दो मुझे। ये मगर तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे खींचे ही जा रहा है ये। मेरा संपूर्ण बल भी इसे पराजित नहीं कर पा रहा है। अवश्य असाधारण मायावी मगर है ये। मुझे भैया से ही सहायता मांगनी होगी। भैया, मेरी सहायता कीजिए। भैया, एक मायावी बलशाली मगर था जो मुझे खींच रहा था। एक ऐसा मगर जिसके समक्ष प्रथम पूज्य वीर गणेश भी असहाय हो गए। हाँ भैया, और जितना तुमने उससे मुक्त होने का प्रयास किया उतना ही वो तुम्हें और भीतर खींचता चला गया। हाँ भैया, बस यही वो कारण है अनुज। तनिक विस्तार से तो बताइए भैया, ये वो कारण कैसे? वो ऐसे गणेश कि वो मगर सांसारिक माया का रूप था, और वो सरोवर जिसमें तुम खींचते चले गए वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था, जो बाहर से दिखने में तो बड़ा मनोहर दिखाई देता है किंतु भीतर जाने पर संकट बन सकता है। तो वो दोनों मायावी थे? आपने मुझे समझाने के लिए उन दोनों को उत्पन्न किया था? हाँ अनुज गणेश, यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खींचा चला जाऊंगा और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। देखते ही देखते हमारी पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई हमें पता ही नहीं चला। आप सत्य कह रही हैं प्रिय, समय अपनी गति के अनुसार गतिमान रहता है, किंतु मुझे आज भी वो दिन स्मरण है जब वो प्रथम बार हमारे पास आई थी। किंतु अब समय आ गया है स्वामी कि हम अपनी पुत्री देवसेना के लिए उचित वर का चयन करें। गुण रूप सौंदर्य इन दोनों में ही अनुपम है हमारी पुत्री देवसेना। कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक पिता की दृष्टि में वो सदैव एक बालिका ही रहती है।
मेरी पुत्री देवसेना अभी भी बाल क्रीड़ा ही कर रही है, उसमें और पुत्र जयंत में तनिक भी अंतर नहीं है। दीदी मुझे भी क्रीड़ा करनी है। अच्छा खेलोगे? लो पकड़ो। भ्राता जयंत को कोई नहीं सताएगा। देखिए किस प्रकार देवसेना एक बड़ी बहन की भांति अपने छोटे भाई की सुरक्षा के लिए प्रस्तुत हो गई है। राता तुम ठीक हो ना? अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। तुम लोगों ने पुष्प कंदुक तो व्यर्थ कर दिए, अब हम क्रीड़ा कैसे करेंगे? चिंता मत करो दीदी, मैंने एक बचा ली थी। मुझे तो मुझे राधा इधर, मुझे राधा। तुम सब यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। सावधान देवसेना, स्वर्ग का अस्त्रालय है वो। इतने सारे अस्त्र। कैसे दृश्य दिखाई दिए मुझे? कौन है जिन्हें मैंने देखा? और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि उनके साथ मेरा जन्मों का